हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजित कृष्ण में स्वागत है। आज मैं आपको बॉर्डर में फंदे किस तरीके से डाले जाते हैं वो बता रही हूँ। फंदे डालने के लिए मैंने दो कलर का यूज किया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमें दो रंग चाहिए। इसमें हम नॉट लगा देंगे दोनों धागों में। जितने भी हमें फंदे डालने हैं उस हिसाब से लंबाई लेकर के उसको डबल कर लेना है। डबल करके फिर इसमें नॉट लगा देनी है। इस तरीके से मैंने दोनों धागों में नॉट लगा रखी है। उसके बाद एक धागे को पकड़िए आप, यहाँ नॉट लगा हुआ है उसे इस तरीके से सिलाई के पास रखते हुए ऊपर से सिलाई के ऊपर से फंदा डालते हुए दूसरा धागा है इसको ऊपर से लपेट देंगे और ऊपर से इस तरीके से निकाल देंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मली सिंपल फंदे डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यह फंदा डालना है। अब हम दूसरा रंग लेंगे, जो भी आपने रंग लगाना है वो ले लीजिए या गांठ लगी हुई है उसको इस तरीके से रखेंगे आगे और अंगूठे की सहायता से उंगली की सहायता से लेते हुए इस तरीके से ऊपर बल डालेंगे और धागे को इस तरीके से ऊपर से घुमा लेंगे और वो धागे को इस तरीके से छोड़ देंगे। हमारे पास सिलाई पर दो फंदे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब जो नीले वाला धागा हमने ले रखा है इसको इस तरीके से अंगूठे की उंगलियों की सहायता से इस तरीके से सिलाई पर डालते हुए और यहाँ से नीले रंग का लेते हुए इस तरीके से ऊपर से डालेंगे और जो हमने उंगली पर डाल रखे हैं इनको बल को निकाल देंगे इस तरीके से। यह हमारा नीले रंग का फंदा तैयार हो गया है। अब हमें ब्लैक रंग से डालना है। ब्लैक रंग का धागे को आगे लेकर के आएंगे, उंगली की सहायता से इस तरीके से बल डालते हुए सिलाई पर डालेंगे और काले वाले धागे को इस तरीके से ले जाते हुए सिलाई पर ऊपर से ले लेंगे हम और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से सिलाई पर हमारे चार फंदे डल चुके हैं। इसी तरीके से हम दोहराते जाएंगे। अब फिर हमें नीले रंग का धागा लेना है। इस तरीके से हाथ उंगलियों पर बल डालते हुए सिलाई पर डालेंगे और नीले रंग के धागे को दूसरे से लेते ऊपर से सिलाई से बल डालते हुए निकाल लेंगे और इस तरीके से इस फंदे को नीचे निकाल देंगे। ये नीले रंग का हमारा फंदा बन चुका है। अब हम ब्लैक रंग का डालेंगे। उंगलियों की सहायता से इस तरीके से लपेटते हुए इसको सिलाई पर डालेंगे और काले रंग को इस तरीके से ऊपर से धागे के ऊपर से ले जाते हुए निकाल देंगे। नॉर्मली जैसे हम सिंपल फंदे डालते हैं दोस्तों, उसी तरीके से हमें सारे फंदे डाल लेने हैं। आप चाहे तो पैर के अंगूठे की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे आप उसी तरह से फंदे डाल सकते हैं। बस इसका ये ध्यान रखना है, एक बार हम दूसरा रंग यूज करेंगे, एक बार हम दूसरा रंग यूज करेंगे। इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली सिंपल फंदे डालते हैं कुछ इस तरीके के हमारे फंदे डलते जाएंगे। आपको जितने भी सिलाई पर फंदे डालने हैं अपने स्वेटर या जैकेट के अनुसार उतने आप फंदे डाल लीजिए। उसके बाद में आप धागे को इस तरीके से छोड़ दीजिए या गांठ लगा लीजिए यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी धागा एंड में आएगा, जैसे मेरा ब्लू कलर का धागा एंड में आ रहा है, इस फंदे को हम इस तरीके सिलाई पर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और छोड़ देंगे। अब ब्लैक कलर का धागा है तो हम ब्लैक कलर का धागा यूज करेंगे। उसके लिए हम जो गोले में धागा लगा हुआ है उसको लेंगे और इस तरीके से एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद नीले रंग का है तो हम नीले रंग से बनाएंगे। जो हमारे गोले में धागे लगे हुए उन्हीं का हम यूज करेंगे इस तरीके से, फिर फंदे को छोड़ देंगे। अब काला है तो धागे को इस तरीके छोड़ते हुए हम काले रंग से एक फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर ब्लू कलर का है तो इसको हम ब्लू कलर से उल्टा फंदा बना लेंगे। एक फंदा ब्लैक, एक फंदा ब्लू, इस तरीके से हम एक एक फंदा उल्टा बनाते जाएंगे। इसी तरीके से ये रो बना करके हमने कंप्लीट कर लेनी है।
और लास्ट में आपको जिस भी रंग से ऊपर बॉर्डर बनाना है वो धागे का आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैक कलर का बना लीजिए या ब्लू कलर का बना। देखिए कितना प्यारा हमारा ये फंदे बन गए हैं। इसके ऊपर आपको जो भी कलर चलाना है, उस रंग से बॉर्डर बनाना है, वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे आसमानी कलर का नीले रंग का लगाना है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद क्या करना है हमें, मुझे ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना है तो ब्लैक कलर को यहाँ से काट के हटा दूँगी। अब ब्लू कलर से सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं क्योंकि ये उल्टी सिलाई है। इस तरीके से पूरे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, देखिए दोस्तों रॉन्ग साइड कुछ इस तरीके से बनेगी और जो फ्रंट साइड है हमारी सीधी साइड है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। देखिए कितने प्यारे ये फंदे लग रहे हैं। अगर आपको दोस्तों मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो के साथ साथ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।